राजधानी जयपुर के हरमाड़ा के नींदड़ में प्रस्तावित आवास से कॉलोनी में 1350 बीघा भूमि आवाप्ति के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से जेडीए भूमि पर कब्जा लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किसानों के विरोध के कारण से जमीन पर कब्जा नहीं ले पाया। एक बार फिर से अब जेडीए के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह आंदोलन की फिर से शुरुआत कर दी। नींदड़ बचाओ युवा संघर्ष समिति के बैनर तले जमीन समाधि सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह शेखावत ने जमीन में खोदे गए गड्ढे में समाधि लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। कंधे तक का शरीर जमीन में दबाकर फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी। डॉक्टर शेखावत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की भूमि को अवाप्त करना चाहती है तो नहीं होने देंगे और सरकार को एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। अवाप्ति के खिलाफ नींदड़ का किसान पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा है और पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक तरीके से उसने अपनी बात सरकार के समक्ष रखी है, सरकार के हर वर्ग के पास रखी है, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने आज तक उसकी सुनवाई नहीं करी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब पूरा विश्व नया साल मना रहा है, 2020 का आनंद ले रहा है, वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण 1 जनवरी 2020 को नींदड़ के गरीब किसानों की जमीन पर डाका डालने के लिए फिर से आ गया। और उससे ही बड़ा दुर्भाग्य है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, बिना जो किसान 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों से न तो कोई बातचीत करी, न उनको विश्वास में लिया और अपनी मनमर्जी और अपनी तानाशाही पूरा करने के लिए उसने जमीन पे डाका डालने का काम फिर से 1 जनवरी को शुरू कर दिया। उधर नींदड़ में अवाप्ति की जमीन पर जेडीए कॉलोनी काट रहा है और जेडीए अधिकारियों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून आने से पहले ही अवाप्त हो गई थी यहाँ की जमीन। वहीं किसानों की डिमांड के बाद मौके पर कार्रवाई शुरू की गई है। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए इस तरह का आंदोलन भी कर रहे हैं।